हेलो एवरीवन, इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सैनिटेशन। अब यही सैनिटेशन मुझे अपने रूरल एरियाज में देखना है या ऑन साइट सैनिटेशन मुझे प्रोवाइड करना है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वी आर हैविंग फॉर द ऑन साइट सैनिटेशन। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी आती है विच इज नोन एज ट्विन पिट पॉर फ्लश वाटर सील टॉयलेट। कैसा होता है, मतलब इसमें हमारे पास एक टॉयलेट रहता है और इसके पास में दो चैम्बर्स इसके साथ कनेक्ट रहते हैं जिसको हम कहते हैं लीच पिट। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा निकलता है इन चैम्बर्स के थ्रू, इन पाइप के थ्रू एक चैम्बर में जाके डिपॉजिट होता जाता है। ये जो चैम्बर रहता है नीचे से लाइंड नहीं रहता, मतलब जितना भी इसके अंदर हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स रहते हैं, लिक्विड मटेरियल जो रहता है वो हमारे जमीन के नीचे परकुलेट होता जाता है। और इस टाइप की टॉयलेट्स हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमारा ग्राउंड वाटर कम हो। अगर ग्राउंड वाटर बड़ा हुआ रहेगा तो हमारा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें, तो ये तभी प्रोवाइड करेंगे जब ग्राउंड वाटर टेबल कम होगा। तो कैसे होता है इसके अंदर, आप इसका सबसे पहले एक बार डायग्राम देखिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक टॉयलेट कनेक्टेड है हमारे दो चैम्बर्स के थ्रू। इसमें हमारे पास आपको प्लान भी दिख रहा है आपको और इसका सेक्शन भी दिख रहा है। तो जितना भी वेस्ट रहेगा वो सब इस चैम्बर में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो ट्विन टॉयलेट एक ऐसा है जो कि ऑन साइट सैनिटेशन हमने प्रोवाइड करा है, कहाँ पर, जहाँ पे वाटर टेबल बहुत ज़्यादा कम है जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ना बढ़ेगा। ठीक है, अब इस टाइप के टॉयलेट में हमको मेंटेनेंस जो लगता है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी देखरेख नहीं करना है, आपका जो भी ह्यूमन वेस्ट रहेगा या लिक्विड वेस्ट जो भी रहेगा वो धीरे धीरे जमीन में जाता जाएगा और जो भी सॉलिड वेस्ट रहेगा वो धीरे धीरे वहीं पर धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा, सड़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपका जो फर्स्ट वाला चैम्बर है वो पूरी तरीके से अगर फिल हो जाता है तो दूसरा चैम्बर आप एज अ अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। सो इन दिस कैटेगरी, इन दिस टाइप ऑफ टॉयलेट वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ पिट, वन पिट एंड द अनदर पिट। अब इन दोनों पिट्स में क्या है, पैन है, वाटर सील है, ट्रैप है, स्क्वैटिंग प्लेटफॉर्म है, जंक्शन चैम्बर है एंड अ सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब वहाँ पर जहाँ पे हमारी सीट लगी हुई है, जंक्शन इसीलिए ताकि अगर एक चैम्बर फुल हो जाता है तो हमारा दूसरा चैम्बर की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड वी विल गोइंग टू यूज वन चैम्बर एट अ टाइम, वी वोंट बी एबल टू यूज बोथ द चैम्बर साइमल्टेनियसली। सो एक एक करके दोनों पिट्स को यूज करेंगे। दोनों पिट्स एक साथ कनेक्टेड है विद अ जंक्शन चैम्बर और पिट्स को हमने पिट की जो वॉल्स है उस पर हनीकॉम स्ट्रक्चर दिया है। हनीकॉम स्ट्रक्चर इसीलिए दिया ताकि वो लिक्विड पार्टिकल जो भी हमारा रहेगा, यूरिनल वगैरह, वो सब हमारे जमीन के अंदर जाता जाएगा। ओके, और बॉटम को हमने कुछ भी तरीके से प्लास्टर नहीं करा है, सिर्फ हमने उसको ऐसे ही मिट्टी में ले जाके छोड़ दिया ताकि वो उसके अंदर परकुलेट हो सके। अब जो आपको साइज बनाना है चैम्बर का वो डिपेंड करेगा कि आपके कितने नंबर ऑफ यूजर्स है, जैसे 5 यूजर है, 10 यूजर है, 20 यूजर है, तो उस हिसाब से आपका चैम्बर का साइज बढ़ता जाएगा। तो कैपेसिटी अपन इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि मेरा जो चैम्बर है वो एक चैम्बर वो 3 साल चल सके, ताकि एक चैम्बर जब भर जाएगा तो कुछ टाइम बाद मेरे पास जितना भी उसके अंदर फीकल कॉलीफॉर्म या मेरे पास जितना भी सॉलिड वेस्ट उसके अंदर रहेगा वो एज अ मैन्यूअर टर्न हो जाएगा और उसे खाद के रूप में यूज कर सकता हूँ अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, जैसे कि पहला पिट भर जाता है अबाउट 3 ईयर्स में, तो अपन क्या करेंगे, उस चैम्बर को पूरी तरीके से बंद कर देंगे और सेकेंड चैम्बर को ऑपरेशन में डाल देंगे। अब जो भी उसके अंदर वाटरी पार्ट था, जो भी हमारे पास वेस्ट वाटर वगैरह था, वो धीरे धीरे परकुलेट हो गया हनीकॉम स्ट्रक्चर की मदद से और आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्ट बचा। अब सॉलिड पार्ट भी क्या होगा, कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाएगा, सड़ जाएगा और वो उसमें से जितनी भी बदबू वगैरह रहेगी, जितने भी पैथोजेंस वगैरह रहेंगे वो सब निकल चुकेंगे, वो भी सॉइल के अंदर से चले जाएंगे, सॉइल के पोर्स में से चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके वातावरण में किसी भी तरीके की कोई भी गैस नहीं जाएगी। कौन सी गैस, मीथेन हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, तो आपके वातावरण भी शुद्ध रहेगा। ओके, और जितना भी ये सब आपके फर्स्ट चैम्बर में जितना भी मैन्यूअर इकट्ठा हुआ था, ये सब आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। फिर जब आपका सेकेंड चैम्बर फिर पूरी तरीके से भर जाएगा तो आपको सेकेंड चैम्बर का ऑपरेशन बंद करके फिर से फर्स्ट चैम्बर को रीयूज करना है। सो दैट इज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द चैम्बर्स। अब इसमें हमारे पास पैन ट्रैप या वाटर सील्स वगैरह लगी हुई है जिसमें हमने जो स्लो प्रोवाइड करा है अप्रॉक्सीमेटली 250 से 290 दिया है। ये जनरली बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना हुआ हो सकता है या इंडिविजुअल मटेरियल सिरामिक का हो सकता है, मोजेक का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, बट जनरली हम मोजेक का यूज नहीं करते क्योंकि वो स्मूथ नहीं होता, तो उसको क्लीनिंग करने में वी जस्ट रिक्वायर द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव द ट्रैप और द वाटर सील। आप देख सकते हैं कि ट्रैप और वाटर सील जो रहती है वो 20 mm का पाइप भी रहता है, इससे बड़े बड़े पाइप्स भी आते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स रहते हैं। फॉर द 20 mm पाइप वी जस्ट नीड अबाउट 1.5 टू 2 लीटर्स ऑफ द वाटर फॉर वन पर्सन एंड वाटर शुड बी इन द पैन ऑफ अबाउट 20 mm ओनली।
ये जब हम रखते हैं ये 7 mm तक का इसका डायमीटर रहेगा और ये जो वाटर रहेगा वो 20 mm तक फिल रहेगा ताकि जितना भी वेस्ट पार्टिकल है वो सब निकल सके। अब साइज ऑफ द फिट भी डिपेंड करेगा कि आपके कितने नंबर ऑफ द यूजर्स है, फिर भी एक स्टडी के हिसाब से हमने इन्फिल्ट्रेशन रेट पाया गया है कि 30 लीटर जो रहेगा 1 m² में एक दिन में पानी जो रहेगा वो नीचे इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। मतलब अगर 1 m² 1 m/1 m का आपके पास एरिया है तो उसमें से 30 लीटर पानी परकुलेट हो जाएगा और उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके कम होगा। अब हम बात करते हैं कि हमको कितने नंबर ऑफ यूजर्स रहेंगे तो हमको क्या साइज लगेगा पिट का। पिट सर्कुलर भी हो सकते हैं, पिट रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि एक मेरे पास वॉशरूम के साथ मैंने फर्स्ट पार्ट में 2 अलग अलग चैम्बर्स बनाए, दोनों रेक्टेंगुलर है। फिर वहीं पर सेकंड में मैंने एक वॉशरूम के पास में मैंने 2 सर्कुलर बनाए। वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपकी अवेबिलिटी कैसी है, आपका रीजन कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। थर्ड में मैंने क्या करा, दोनों चैम्बर्स तो बनाए बट दोनों चैम्बर्स को पास पास में बनाया है या दोनों चैम्बर को एक ही बनाया और बीच में मैंने पार्टीशन वॉल से उनको सेपरेट आउट कर दिया। फोर्थ, जो मैंने थर्ड चैम्बर को पार्टीशन वॉल से सेपरेट करा था हॉरिजॉन्टली, उसको मैंने वर्टिकली कर दिया। फिफ्थ, मैंने उसी वॉशरूम के पास में एक लेफ्ट साइड पे बनाया है, एक राइट साइड पे बनाया है। दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड द अवेबिलिटी। अब हम बात करेंगे कि इन पे हमको क्या साइज चाहिए। अगर सर्कुलर दे रहे तो सर्कुलर का क्या डायमीटर होना चाहिए, क्या डेप्थ होनी चाहिए। अगर हम रेक्टेंगुलर दे रहे तो रेक्टेंगुलर में अगर 2 कंपार्टमेंट है तो एक कंपार्टमेंट में कितनी लेंथ, कितनी ब्रेथ और कितनी हाइट होनी चाहिए। सो इफ यू आर हैविंग अ 5 यूजर्स देन यू इन केस ऑफ सर्कुलर पिट यू जस्ट नीड द डायमीटर ऑफ 1050 mm एंड यू जस्ट नीड द डेप्थ ऑफ 1000 mm। मींस 100 सेंटीमीटर की आपको डेप्थ चाहिए और 105 सेंटीमीटर का डाया चाहिए। बट वही अगर हम रेक्टेंगुलर के लिए बात करें तो लेंथ हमको चाहिए 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी चाहिए 100 सेंटीमीटर और उसकी जो डेप्थ चाहिए वो चाहिए 80 सेंटीमीटर और 800 mm। बट अगर आपके यूजर्स 5 से 10 हो जाते हैं, एकदम डबल हो जाते हैं, तो आपको डायमीटर भी एकदम से डबल नहीं करना है। आपका डायमीटर 105 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं पर डेप्थ जो है वो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर एंड इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इट विल बी 125 सेंटीमीटर लेंथ। Breadth is also 125 cm and the height is 105 cm or 1050 mm। अब यहाँ पर आपके यूजर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 10 से 15 हो जाते हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर अगर 12 हुए या 13 हुए तो क्या लेंगे। सो यू हैव टू टेक द वर्स्ट कंडीशन, यू हैव टू टेक द सेफर साइड, उससे आपको ज़्यादा ही लेना है। अगर 12 13 भी हो रहे तो आपको 15 यूजर्स के अलॉन्ग जाना है। अगर 15 यूजर्स हो रहे हैं तो यू हैव टू टेक द डाया ऑफ 140 mm इन केस ऑफ सर्कुलर पिट एंड द डेप्थ ऑफ 163 mm। बट इफ इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर पिट यू हैव टू टेक अ लेंथ ऑफ 140, ब्रेथ ऑफ 140 एंड द डेप्थ ऑफ 120 सेंटीमीटर। सो दिस आर द वेरियस स्टैंडर्ड्स व्हिच यू हैव टू फॉलो इफ यू आर यूजिंग अ ट्विन टॉयलेट एज अ सिस्टम लाइक दिस। अब एक चीज और है, इसमें हमको वेंटिलेशन पाइप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी गैसेस वगैरह रहेंगी वो सब सॉइल के थ्रू नीचे 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 हनीकॉम स्ट्रक्चर से जाती जाएगी। तो हमने अभी डिस्कस करा था हमारा एनवायरनमेंट भी जो रहेगा वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नहीं आएगी। इससे हमारा एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज्यादा मिनिमाइज होगी। सो आई होप दिस टाइप ऑफ ऑन साइट सैनिटेशन इज क्लियर टू यू विच इज ट्विन बकेट। अभी हमने जो अभी पढ़ा था ट्विन वाला, इसके हम आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कितने यूजर्स हैं, कितने लीटर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा, ये अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोसन टॉयलेट। इकोसन टॉयलेट एक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई नई फिलोसॉफी वगैरह नहीं है, ये उसी टाइप का मैकेनिज्म है। यहाँ पे हमने क्या करा है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक वॉशरूम बना दिए और इसके नीचे होल्स वगैरह बना दिए ताकि जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह आ रहा है वो सब एक ही जगह पे आके इकट्ठा हो जाए। यहाँ पे कुछ भी ऐसे 2 टाइप के चैम्बर्स नहीं है, यहाँ पे हमने जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाया एज अ सुपर स्ट्रक्चर और इसको ड्राई टॉयलेट के नाम से नाम दिया, विच इज नोन एज इकोसन टॉयलेट। तो ये एक ऐसा टॉयलेट है जिसमें हमको फ्लश करने के लिए वाटर नहीं लगता, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ह्यूमन वेस्ट ही इकट्ठा होता है। ये टॉयलेट जो हमने थोड़ा सा रेस करके बनाया है जमीन से ऊपर ताकि यूजर कोई भी सिट कर सके एंड पैंट को इसके अंदर स्क्वाट कर सके। इन दोनों केस में हमको आ रहा जो एक्सक्रीटा रहेगा वो एक ड्रॉप होल के थ्रू नीचे जाएगा, पिट में नीचे जाके इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के बाद उसमें धीरे 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 जाके वो डिग्रेड होगा। जब वो धीरे धीरे डिग्रेड होगा तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद जब आपका पिट पूरी तरीके से भर जाएगा, सो दैट ह्यूमन एक्सक्रीटा विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट, उसके अंदर पोटेशियम भी है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी है, उसके अंदर तमाम ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे, सो दैट कैन बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज।
अब इस टाइप के टॉयलेट में भी कोई भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका वाटर टेबल ऑलरेडी लो होगा। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द इकोसन टॉयलेट? इसमें पानी बचता है क्योंकि हम इसमें पानी का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। इट विल ऑल्सो गोइंग टू प्रोटेक्ट द ग्राउंड एंड द सरफेस वाटर कंटामिनेशन। इसमें पानी है ही नहीं तो पानी नीचे जमीन में नहीं जाएगा, जमीन में नहीं जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। साथ ही साथ आपके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपकी बॉडी में से जो गए थे, वही न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करेंगे, जिससे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी अच्छी होगी। इट डज नॉट क्रिएट एनी वेस्ट, यहाँ से कुछ वेस्ट वगैरह नहीं निकल रहा है, जितना भी वेस्ट था आपने उसको फिर से रीयूटिलाइज करा है। इट डज नॉट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर द मॉस्किटो टू ब्रीड, इससे कभी भी मक्खियाँ मच्छर बिन बिन नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सारी चीजें जो है वो कवर्ड है, तो यहाँ पे कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। साथ ही साथ इट ऑल्सो सेल्फ कंटामिनेटेड, टोटली मैनेज बाय द फैमिली। ये आपके पास ही ताला है, चाबी लगाने के लिए, बाथरूम वगैरह सब कुछ रहेगा, तो ये पूरी तरीके से सेफ रहेगा, कोई भी इसको दूसरा पर्सन यूज नहीं कर पाएगा। ये हम घर टू घर वेरी कर सकते हैं कि आप अपने घर में भी बनाएं, आप अपने घर में भी बनाएं, इस तरह से हम इसको प्रमोशंस वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। द सिस्टम इज ऑल्सो सुटेबल फॉर द हाई वाटर टेबल, अगर पानी का लेवल बढ़ जाता है तो भी ये वाली चीज़ हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डाल रहे। अगर हम इसके अंदर पानी डालते तो वाटर पॉल्यूशन होता, बट इस टाइप की टेक्निक हम यूज़ नहीं कर रहे। सो दैट इज ऑल अबाउट द इकोसन टॉयलेट। इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो अपन आने वाले वीडियोज में देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन रहता है और किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, मतलब हमको कितना वॉल्यूम लगता है वेस्ट का, कितना वॉल्यूम इकट्ठा होगा, तो एक महीने में इतना होगा, तो एक साल में इतना होगा। सो दैट ऑल वी गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास एक और टाइप का टैंक आता है जो आपने सदाबहार हमेशा सुना होगा, विच इज नोन एज सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक एक ऐसा टैंक है जो कि जिसके अंदर सारा वेस्ट जो है वो जमा भी हो रहा है और डाइजेस्ट भी हो रहा है। डाइजेस्ट मतलब सड़ रहा है, सड़ रहा है मतलब किसकी मदद से? वेंटिलेशन पाइप की मदद से। मतलब क्या हो रहा है, जो आपका वेस्ट है वो 2 से 3 दिन तक एक ही जगह पे टिका हुआ है, तो उसके अंदर से जितनी भी गैसेज वगैरह निकल रही है वो वेंटिलेशन पाइप की मदद से आसमान में जा रही है, तो इससे वेस्ट का वॉल्यूम क्या हो रहा है, 30% तक रिड्यूस हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि आपके पास अगर 1 m³ का वेस्ट ऑलरेडी था आपके चैम्बर के अंदर, तो उसका 30% वेस्ट रिड्यूस हो गया, अब आपके पास सिर्फ 0.7 ही बचेगा अगर 1 m³ का है तो। तो जितना भी वेस्ट रहेगा वो सब नीचे जाके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा और आपके वेस्ट धीरे 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 रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितनी भी गैसेज है वो सारी एटमॉस्फेयर में चले जाएगी विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेशन पाइप। कौन कौन सी गैसेज हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, मीथेन हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, एनीथिंग। अब जब आपने ये सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करा है तो आपको यहाँ पे एफिशिएंसी भी मिल जाएगी, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड का भी रिमूवल देखने को मिलेगा। दैट इज BOD विल बी अबाउट 30-50%, COD विल ऑल्सो बी अबाउट 40-50%, एंड द TSS मीन्स टोटल सस्पेंडेड सॉलिड विल ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस फ्रॉम 60-70%। मतलब जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड थे वो धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। आया समझ में? अब बहुत सारी स्टडीज ऐसा पाया जाता है कि जो हमारा सेप्टिक टैंक रहता है उसमें जो वेस्ट रहता है वो भी 30% तक डाइजेस्ट हो जाता है, और अगर वेस्ट हमारे काफ़ी समय तक भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो हमको उस टैंक की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर वेस्ट नहीं सड़ रहा है तो हो सकता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ना हो। ऑर्गेनिक मैटर वो मैटर रहता है जो कि पेड़ पौधों से निकल रहा है, जो सड़ सकता है, या हमारे किचन में से जो निकल रहा है ऐसा वेस्ट जो पूरी तरीके से सड़ सकता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और ऐसा भी वेस्ट रहता है जो सड़ता नहीं है, जैसे पॉलिथीन्स वगैरह हो गई, तो ये वेस्ट नहीं सड़ेगा, तो ये भी हमारे टैंक्स में आके जमा हो सकता है किसी भी कारणों से। मैं ये नहीं कह रहा कि ह्यूमन की बॉडी से तो निकलेगा ही नहीं ऐसा, ऑर्गेनिक ही निकलेगा, बट किसी दूसरे कारण से भी आ सकता है वेस्ट, तो ये वेस्ट भी वहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया तो वो हमारे दूसरे वेस्ट को सड़ने नहीं देगा। उस केस में क्या करना है हमको, हमारा जो भी टैंक है उसको क्लीन करना है। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो सेप्टिक टैंक है उसके लिए कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, उसके लिए कितना लिक्विड डेप्थ होना चाहिए, और उसको कितने कितने टाइम में उनको क्लीन करना पड़ेगा। सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर मेरे पास 5 कंज्यूमर्स है तो मुझे सेप्टिक टैंक की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर बनानी है, 1.5 मीटर लंबा होना चाहिए और 0.75 मीटर चौड़ा होना चाहिए, और उसकी जो लिक्विड डेप्थ आएगी फॉर द 2 ईयर्स विल बी 1 मीटर, एंड फॉर अगर आप 3 साल के लिए कर रहे तो 1.05। अगर नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे डबल हो जाते हैं, मतलब 5 से बदले 10 हो जाते हैं, तो आपकी लेंथ भी 1.5 से बदलकर 2 मीटर हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी विड्थ भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी यूजर्स बढ़ेंगे तो टैंक का डायमेंशन डबल नहीं करना है।
एक तो पहले ही हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास दूसरी चीज़ों के लिए जगह नहीं है, तो मैं एक बार किसी भी चीज़ के डायमेंशन को डबल नहीं कर सकता। आई कैन इंक्रीज बाय 10%, 15%, 20%, बट आई कैन नॉट मेक इट 100%। दैट इज द फैक्ट। ओके, अब नंबर ऑफ यूजर्स अगर 15 हो रहे हैं तो आपकी जो लेंथ है वो 2 मीटर हो जाएगी, विड्थ जो है वो 0.9 मीटर ही रहेगी, साथ ही साथ आपकी लिक्विड डेप्थ फॉर द 2 ईयर्स एंड फॉर द 3 ईयर्स विल ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। If you are the now, if the numbers is increased by again 5, means the total number of users will be 20, then the length will be 2.3 meter and the width will also going to increase by 1.10 meter. But agar number of users badhte jayenge to aapko number of separate tanks provide karne padenge if it is more than 20. So this data I have taken from the CPHEO manual, which is from 1993. सो दिस इज द प्लान। ये हमारा सेप्टिक टैंक किस तरीके से दिखता है, जिसमें अगर आप उसका सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक तरफ से इनलेट है, एक तरफ से आउटलेट है, तो जितना भी वेस्ट रहेगा वो सब स्लोप की मदद से एक जगह आके इकट्ठा होता जाएगा, और जितना भी वाटर रहेगा वो धीरे 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 क्या होता जाएगा, फ्लो होके निकल जाएगा और जमीन में चला जाएगा, और यहाँ पे वेस्ट जो रहेगा वो सड़ता रहेगा, और इसकी जितनी भी फाउल गैसेज रहेगी ये सारी फाउल गैसेज हमारी एटमोसफियर में चली जाएगी। सो वॉट आर द एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस जो है वो इंडिविजुअल टॉयलेट के रूप में, इंडिविजुअल घर के रूप में हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक प्राइमरी ट्रीटमेंट करने का काम कर रहा है। इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट द सैनिटेशन, हम सैनिटेशन को बचा के रखें, हम सैनिटेशन से संभल के रह सके। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर द हाई वाटर टेबल वेयर द ड्रेनेज फैसिलिटी इज अवेलेबल। अगर हमारे पास ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब अगर मैं लिक्विड जो वेस्ट निकल रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहा हूँ, तो ये ऑल्सो बहुत अच्छी टेक्निक है जब वाटर टेबल बढ़ता है तो। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, कोई भी चीज़ है तो उसके एडवांटेज होते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, सेप्टिक टैंक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है जब मेरे पास स्पेस अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि हम एक टैंक बना देंगे जिसका ये डायमेंशन, इसकी लेंथ इतनी, उसकी विड्थ इतनी इतनी, तो बट अगर स्पेस अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो सेप्टिक टैंक नहीं बना सकता। हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि ये जो है अपनी बीओडी 30-50% तक रिमूव कर रहा है, साथ ही साथ सस्पेंडेड सॉलिड भी ये 70% तक रिमूव कर रहा है, बट वॉट फॉर द नेक्स्ट इफ इट इज़ द सॉलिड इज 100%। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट अगर मुझे इसका परसेंटेज और बढ़ाना है फ्रॉम द 70% टू द 90%, तो उस केस में मेरा सेप्टिक टैंक काम नहीं करेगा। अब सेप्टिक टैंक के अंदर मेरे पास जो सस्पेंडेड सॉलिड आ रहे हैं उसकी भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है कि मैं इतना सॉलिड उसके अंदर भर सकता हूँ, फिर रेगुलर आपको क्लीनिंग उसको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। सो दैट इज ऑल अबाउट द सेप्टिक टैंक। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉयलेट लिंक बायोगैस प्लांट। मतलब आप देख सकते हैं कि हमारी जो टॉयलेट है इसका जो पाइप्स है वो हमारे बायोगैस प्लांट के साथ कनेक्टेड है। मतलब जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा, काउ डंग, जितना भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल आ रहा था वो सब हमने क्या करा, बायोगैस प्लांट के अंदर डाल दिया। अब यहाँ से क्या होगी, बायोगैस जनरेट होगी, दैट बायोगैस कैन बी यूज एज अ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, मतलब इसमें हमारे पास क्या रहेंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स रहेंगे। जितना भी ह्यूमन वेस्ट रहेगा वो सब हमारा डाइजेस्टर में जाएगा, जिससे हमारी सैनिटेशन इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ हमको बायो एनर्जी मिलेगी बहुत ही कम कीमत पे, जिससे कि हमको बेटर क्वालिटी का मैन्योर भी मिलेगा एज अ एग्रीकल्चर पर्पस। सो दिस टाइप ऑफ सैनिटेशन इज नोन एज टॉयलेट लिंक्ड बायोगैस प्लांट। ये वर्क कैसे करेगा, अगर मैं सिर्फ एनिमल डंग की बात करूं, तो 10 किलो एनिमल डंग अगर एक एनिमल मुझे एक दिन में प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे एक एनिमल की मदद से मुझे 1.5 क्यूबिक फिट पर केजी मुझे काउ डंग मिलेगा। मतलब अगर एक एनिमल इतना दे रहा है, तो 10 एनिमल मुझे 15 क्यूबिक फीट ऑफ बायोगैस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से आपको कुछ भी सोर्स नहीं करना है, जो भी काउ डंग वगैरह मिला है आपको, एनिमल डंग वगैरह मिला है आपको, सिर्फ उसको बायोगैस में डालना है। तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, 15 क्यूबिक फीट ऑफ बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द एनिमल डंग। इफ वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक फॉर द ह्यूमन वेस्ट, सो ह्यूमन वेस्ट इज गोइंग टू रिलीज अबाउट 350 ग्राम्स, मीन्स 0.35 केजी ऑफ द वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड, एंड द गैस प्रोडक्शन फ्रॉम पर केजी ऑफ ह्यूमन वेस्ट इज 3.6 क्यूबिक फीट। मतलब जो हमको 350 ग्राम ह्यूमन वेस्ट मिल रहा था, उन 350 ग्राम की मदद से मुझे 3.6 क्यूबिक फीट मिल रहा है। अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर की बात करूँ, अगर मेरे को चाहिए टोटल 1 क्यूबिक मीटर ऑफ बायोगैस, और अगर 5 मेंबर रहते हैं मेरी फैमिली में, और अगर 2 मेरे पास बकरियां रहती है, 2 कैटल वगैरह रहते हैं, तो उसकी मदद से मुझे 1 क्यूबिक मीटर बायोगैस मिलेगी। अब हमको ये समझना है कि 1 क्यूबिक मीटर की वैल्यू कितनी होती है। 1 क्यूबिक मीटर से आप 1 हॉर्स पावर की मशीन 2 घंटे तक चला सकते हैं।
मतलब आप इमेजिन करिए आपके घर में एक पानी की मोटर है, वो 1 horsepower की, आप उसको 2 घंटे चला सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 1 cubic meter बायोगैस। अब 1 cubic meter बायोगैस आपको कैसे मिल रही है, 5 इंसान का वेस्ट और 2 जानवर का वेस्ट। अगर से उसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में बोले तो 5 members ऑफ द फैमिली एंड 2 members फ्रॉम द एनिमल्स, यू विल गोइंग टू हैव द 1 cubic meter ऑफ बायोगैस। ये तो हमने बात करी थी हॉर्स पावर की। अगर मुझे कोई भी कुकिंग वगैरह करनी है तो 5 जनों का खाना 2 घंटे तक एक दिन में मैं बना सकता हूँ जस्ट फ्रॉम 1 cubic meter ऑफ बायोगैस। साथ ही साथ मैं इसमें 6 घंटे तक एक लैंप चला सकता हूँ जो कि 40 वॉट 220 वोल्टेज का रहेगा, मतलब एक नाइट में मैं 6 घंटा वो लैंप को चला सकता हूँ। तो आप समझिए कि दिस टाइप ऑफ टॉयलेट इज वेरी यूजफुल फॉर द विलेजर्स और फॉर द रूरल एरियाज। मीन्स साथ ही साथ उनको बिजली भी मिलेगी, साथ ही साथ उनका जो वेस्ट है वो सैनिटेशन भी इम्प्रूव होगा। सो वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा इन द काउ डंग दैट वी विल गोइंग टू सी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है नाइट सॉइल में वो अप्रॉक्सीमेटली 85-90% रहता है और वही काउ डंग में 74-82%। वोलेटाइल सॉलिड, जो सॉलिड ऐसा रहता है जो भाप बन के उड़ता भी है, थोड़ा सा सूख भी जाता है, दैट इज द वोलेटाइल सॉलिड विच इज एज द टोटल परसेंटेज ऑफ द टोटल सॉलिड विच इज अबाउट 80-88% एंड काउ डंग की बात करें तो 70-80% रहेगा। द टोटल नाइट्रोजन परसेंटेज 3-5% इन केस ऑफ नॉट सॉइल, इन केस ऑफ काउ डंग इट विल बी 1.4-1.8। टोटल फॉस्फोरस की बात करूँ अगर मैं तो वो दैट विल बी 2.5-4.4 और काउ डंग में 1.1-2 तक रहेगा। और अगर मैं सिर्फ पोटेशियम की बात करूँ ऑन अ ड्राई बेसिस तो इट विल बी 0.7-1.9 और वही काउडंग में 0.8-1.2 रहेगा। दिस ऑल द डेटा आई हैव टेकन फ्रॉम द CPHEO मैनुअल। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपना बायोगैस प्लांट एक इंडिविजुअल घर के हिसाब से बना सकते हैं जिसमें जितना भी वेस्ट रहेगा फ्रॉम द काउ, फ्रॉम द एनिमल, फ्रॉम द ह्यूमन, वो सारा वेस्ट यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा और इसी की मदद से हम बायोगैस प्लांट को बना सकते हैं। So I hope this type of toilet is clear to you. Okay. Next हमारे पास एक आती है anaerobic baffle reactor। ये generally हम कुछ urban areas वगैरह में provide करते हैं जिसमें थोड़ा सा septic tank का advanced version है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे compartments है diagrams में, जितना भी waste आएगा वो एक compartment से liquid flow होते 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 अलग अलग compartments में जाएगा, जिससे क्या होगा सॉलिड पार्टिकल्स आगे ट्रेवल नहीं करेंगे अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे वो चाहे तो फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट या थर्ड कंपार्टमेंट में जाके धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब यहीं पर वेस्ट धीरे 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 सड़ता जाएगा, डीकम्पोज होता जाएगा और उसका वॉल्यूम में रिडक्शन होता जाएगा और जितना भी लिक्विड वेस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रांसफर हो जाएगा या फिर हम उसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो मतलब इसको अगर हम फिर से डिफाइन करें तो एक सेप्टिक टैंक का ही है, बट इसमें अपन ने क्या करा है बहुत सारी सीरीज ऑफ बैफल वॉल्स लगा दी ताकि हम एक वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं। लाइक यू कैन सी द प्रैक्टिकल, यहाँ पर क्या है कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, कुछ बैफल वॉल्स लगा रखी है और हमने उसको ऊपर से कवर अप कर रखा है जिससे कि जो भी फाउल गैसेज वगैरह है वो एटमोसफियर में बहुत हाइट पर जाके हम वेंटिलेशन पाइप के थ्रू छोड़ सकते हैं। सो वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट, इट जस्ट रिक्वायर द स्पेस मिनिमम, बट यहाँ पे हम ज़्यादा लोगों का वेस्ट भी कर सकते हैं। अभी हमने बात करी थी सेप्टिक टैंक में, हमने बात करी थी बायोगैस में, हमने बात करी थी उसके पहले ट्विन टॉयलेट्स वगैरह में, वहाँ पे हमारे पास यूजर्स के रेस्ट्रिक्शंस थे, मीन्स मैक्सिमम वी कैन अकोमोडेट अप टू 20, बट यहाँ पे 20-50 यूजर्स के लिए भी हम इसको ईजिली बना सकते हैं। सो द सेकेंड एडवांटेज इट द क्वालिटी जो रहेगा एफ्लुएंट का वो मच बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पे BOD धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों BOD कम हो रहा है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स वहीं पे रुकते जा रहे हैं। साथ ही साथ यू डोंट नीड एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ नहीं चाहिए कि जितना भी चलेगा वो सब बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी चलेगा। इट इज ऑल्सो सूटेबल फॉर द हाई वाटर टेबल, क्यों, क्योंकि वाटर को आप क्या कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन के थ्रू लेके जा रहे हैं फ्रॉम द आउटलेट चैम्बर। ओके, इट ऑल्सो हैविंग द रेजिस्टेंस टू द ऑर्गेनिक एंड द हाइड्रोलिक शॉक लोड्स, मतलब अगर ऑर्गेनिक लोड वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास सीरीज ऑफ बैफल वॉल्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। साथ ही साथ इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि ऑपरेट आपको कुछ करना नहीं है, इनलेट से आपके पास जो भी वेस्ट आएगा और आउटलेट से वेस्ट निकल जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो स्लज का प्रोडक्शन रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्रेडेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। और एरिया में हम बोल सकते हैं कि हमको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है क्योंकि एरिया जो लगेगा वो सेप्टिक टैंक से ज़्यादा लगेगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप का हमारे पास टॉयलेट आता है विच इज नोन एज अनएरोबिक फिल्टर। ये थोड़ा सा उसी का एरोबिक का जो है वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। वहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं फिल्टर मीडिया लगा, वहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं
नॉर्मली हमने बैफल वॉल्स बनाई थी, बैफल रिएक्टर्स वगैरह बनाए थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैफल फिल्टर बना रहे हैं, जिसमें से पानी जो होगा वो एक लेयर से पास होते हुए फिल्टर से दूसरे में जाएगा, फिर फिल्टर होके तीसरे में जाएगा, फिर फिल्टर होके चौथे में जाएगा, फिर वहां से आउटफ्लो होगा। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर जो है वो फिल्टर होता हुआ जा रहा है। अब आप इसी वाटर को अगर आप जमीन में भी डाल देंगे ना, तो आपको पॉल्यूशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से सारी गैसेस भी निकल गई और जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स था वो सारा सेडिमेंटेन में जाके ही डिपॉजिट हुआ। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ एरोबिक फिल्टर रिएक्टर के लिए। वॉट आर द इट्स एप्लीकेशंस? इट इज सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि हमको यहाँ पे किसी मिट्टी से कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन फॉर द सिस्टम, इसमें से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पानी जब इतनी बार फिल्टर में से पास हो रहा है तो वो पानी ऑलरेडी क्लियर निकल रहा है। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस? इसमें भी हमको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, पानी अपने आप प्रेशर के थ्रू नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर, ऐसा कंटिन्यूस मैकेनिज्म चलता रहेगा। साथ ही साथ इसमें जो ऑपरेशन है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी यही सारा काम हो रहा है। इसमें स्लज का एक्यूमुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम होगा और साथ ही साथ आपको एरिया भी बहुत कम चाहिए एज कंपेरिजन विद द सेप्टिक टैंक। आप ऐसा नहीं है कि आप जो बैफल वॉल्स बनाई है, जो फिल्टर मीडिया बनाया है वो बहुत बड़ा बड़ा बनाया है, आप उसको छोटा छोटा भी कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है बस, दैट इज़ द मेन थिंग। अब वॉट इज़ द लिमिटेशन, इसके नुकसान क्या है? अब एक बार आपने इसको ट्रीट कर दिया तो जितने भी पैथोजेंस है वो सब एक ही टैंक में रह जाएंगे। पहले वाले में क्या हुआ था, इसमें से सॉलिड जा रहा था, इसमें रुक रहा था, अगर इसमें से पास हुआ तो इसमें रुक रहा था, बट यहाँ पे सारा सॉलिड जो रहेगा वो एक ही टैंक में रहेगा। अब आप इसको रीयूज नहीं कर सकते, जो भी स्लज है वो बार बार कंटिन्यूस फ्लो होता जा रहा है, इसी में ही आ रहा है, तो आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। अब आपको इसको क्लॉक करना है तो आपको पूरा मैकेनिज्म बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ही टैंक से सारा पानी पास हो रहा था, ऐसा नहीं था कि आपने इस टैंक को बंद करके दूसरे को साफ कर लिया। तो यहाँ पे रिमूविंग और क्लॉगिंग जो हुई है उसको भी ये भी आपको टफ प्रोसेस है। सो आई होप दिस टाइप्स ऑफ टैंक्स, दिस टाइप्स ऑफ ऑन साइट सैनिटेशन इज क्लियर टू यू। हमने अभी तक देखा था कि हमारे पास किस किस टाइप से हम सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम किस टेक्नोलॉजी को प्रिफर कर सकते हैं। तो ट्विन टैंक्स, ट्रांसोटैंक टैंक, एरोबिक लैगून, सेप्टिक टैंक्स, दिस ऑल टैंक्स आर क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।